आज है 19 फरवरी, 6 बज गए हैं आज। बहुत थोड़ा सा लेट हो गया मैं, एक्चुअली रात को लेट खाना खाया था तो सुबह नींद नहीं खुली अच्छे से, तो 3:30 बजे उठा मैं। अभी जस्ट चैंटिंग ख़त्म करी है, सो मेडिटेशन कंप्लीट है अभी। अभी तो आज पहले एडिटिंग करूँगा मैं कल वाले ब्लॉग की, और आज पहला ब्लॉग डाल आज पहले ब्लॉग डालूँगा और फिर देखते हैं, फिर उसके बाद बाकी शेड्यूल स्टार्ट करेंगे, लाइव बुक लिखेंगे और फिर टू लिस्ट बनाएंगे अपनी आज के दिन की। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो कल का व्लॉग रेडी है, तो बस थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा। 1.5 घंटा लग गया इसको एडिट करने में। चलो सही है जो भी है भाई। 8:30 हो गए हैं, अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई है, अभी वीडियो अपलोड हो रही है। तो सुबह आज यहीं पर निकल गया, बट आज मैं आप लोगों को ना एक बहुत सही जगह पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे एक मंदिर है भाई, लोग नीचे से आपको देखेंगे बहुत सारे लोग जा रहे हैं मंदिर, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और जैसे ही आप मंदिर पहुंचोगे ना कोई नहीं है वहाँ पे, पूरा मंदिर खाली। मतलब बहुत ही अमेजिंग मंदिर है, मैं शाम को जाऊंगा और इतना सही मंदिर है, मतलब देखना आप जाते समय इतने होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। और मुझे याद आएगा तो फिर लेने आ जाऊंगा। भाई अब मैं गैस भरवाने आया हूँ, तो यहाँ दुकान में कोई नहीं है, दुकान पूरी खाली है, और बंदे को बोल रहा हूँ, बंदा बोलना मेरा बंदा आ रहा है थोड़ी देर में। मतलब मस्त है, एक उड़ीसा में सबसे बेस्ट बात ये लगती है कि यहाँ पे लोगों को पैसे की कोई लालच नहीं है। अपने उधर नॉर्थ साइड में लोग भागदड़ी मची रहती है लोगों को पैसे की, भैया पैसे कमाने पैसे कमाने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे लोग घर चले जाते हैं भैया आराम से लंच करने, 4 बजे वापस आते हैं दुकानें बंद हो जाती है। मैं जब नया नया आया था ना कॉलेज में यहाँ पे, तो एक बार ना 12 बजे के आसपास मैं ना किट कैंपस के पास आ गया, और भैया अचानक से सारी दुकानें बंद, और मेरी फटकी, मेरे को लगा यार पता नहीं क्या हो गया, इतनी सारी दुकानें बंद होगी, कर्फ्यू लग गया क्या। फिर बाद में पता चला कि यहाँ 12 से 4 दुकानें बंद रहती है। तो ये मैं हूँ, ये उत्कर्ष है, और ये बसंत है, और रुको 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 अभी रुको अभी थोड़ा रुको, और ये आशीष है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो साथियों आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहां पे लोग जाते तो हैं ऊपर बट वहां पहुंचते नहीं है। लोग माता के दर्शन करने जरूर जाते हैं बट माता के दर्शन करने तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी जगह पे, एक रहस्यमय जगह पे जहाँ पे लोग गायब हो जाते हैं। तो आज मैं कैसी जगह पे लेके जाना चाह रहा हूँ आपको, तो चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। Know some killers with some hollows, they gon' split your shit in two. Started in them trenches, gotta bend and break the rules. Had to get my money, I was in and out of school. Any many in the streets, you gotta walk and keep it too. You gotta take a loss. Knowing sometimes you can risk and lose it all. Yeah. Wanna see me fall? Now my money like an athlete standing tall. Money coming fast, I can feel it in my palm. Stomp you out in trampolines, she's in a Louboutin. Stay young until I die, I got it tatted on my arm. Nighttime shots off, got it sounding like a lump. I need to guap word around town that the piece is hot. Freeze the block, spin the corner, dip around and heat it out. Scamming bitches tryna take your rollie, what they fiend about. For the crowd, get the bag and flip it, then I punt it out. Your closest friends are ones who do you wrong.
Give you hugs, but it's in the devil arms. With this street shit, I'm just trying to put you on. Know some killers with some hollows, they gon' split your shit in two. Started in them trenches, gotta bend and break the rules. Had to get my money, I was in and out of school. Any many in the streets, you gotta walk and keep it too. You gotta take a loss, knowing sometimes you can risk and lose it all. Wanna see me fall? Now my money like a happy standing tall. I know that you doubt it. You the 100, keep that shit 1,000. I got water on me, dripping like a fountain. Show me fake love, you can keep that shit from around me. Spend so much money, I might need a. तो फ्रेंड्स, ये है वो रहस्यमय जगह। तो ऊपर इस पहाड़ के ऊपर एक शिखर चंडी पहाड़ है, शिखर चंडी माता का मंदिर है। तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस पे अब देखते हैं, मतलब गैस पहले तो बच्चे बहुत से स्टूडेंट बहुत थे, तो अभी भी शायद काफ़ी स्टूडेंट आ चुके हैं, तो कुछ लोग तो जा ही रहे होंगे ऊपर। चलिए देखते हैं हमें कितने लोग मिलते हैं ऐसे, जो ऊपर तो जा रहे थे बट ऊपर कभी पहुँचे ही नहीं। Know some killers with some hollows, they gon' split your shit in two. Started in them trenches, gotta bend and break the rules. Had to get my money, I was in and out of school. Any many in the streets, you gotta walk and keep it too. You gotta take a loss, knowing sometimes you can risk and lose it all. मैं जब पहली बार इस मैप मुझे मतलब ये बगल में रहता था, मैं बगल वाला हमारा एक अपार्टमेंट था वहीं पे रह रहा था मैं, तो मैं चलो तो कर रहा था कि मेरे को शूट करना था, इसलिए वीडियो शूट करना था मुझे। तो मैं थोड़ा ऊपर आया, मैं चलो देखते हैं यार मतलब क्या है, कैसा मंदिर है। बहुत टाइम हो गया, गए ही नहीं कभी मंदिर में, तो मतलब बगल में ही था मंदिर तो हम गए ही नहीं। अब आप इस जगह को देख सकते हो, थोड़ा सा जगह देखो, मतलब पूरा जंगल है ऊपर रास्ते में मंदिर तक। मंदिर तक पूरा जाओ तो पूरा जंगल है, ठीक है। तो अभी वैसे मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी आ गया, 5 बजे थे अभी तो, बट मुझे लगता है अंधेरा हो जाता फिर लाइट नहीं आती सही ढंग से, और सही ढंग से पता नहीं चल पाता, मतलब कैमरे में उतना अच्छा नहीं लगता दिखता। तो ये भाई रहस्यमय जगह है भाई, स्टूडेंट नीचे से ऊपर तो आते हैं बट मंदिर तक नहीं पहुँचते, ये बात मुझे उस दिन पता चली। मतलब बहुत सारे लोग ऊपर जाते हैं ठीक है, बट वो कभी ऊपर नहीं पहुँचते, यहीं जंगल में गायब हो जाते हैं। तो आज तो जोड़ियाँ कम है, बिकॉज अभी स्टूडेंट ही कम है, अभी किट में इतने स्टूडेंट नहीं आए हैं वापस। तो ऐसे अच्छी जगह है, मतलब बढ़िया जगह है ये। तो यहाँ मतलब यहाँ तक भी आते हैं लोग, आप देख सकते हो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट फिर यहाँ से गायब हो जाते हैं। वैसे आज तो कुछ जेन्युइनली कोई पूजा चल रही है मतलब ऊपर, तो शायद जेन्युइनली काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखो फैमिली, बस ये फैमिली मेरी तरफ आ जाए तो आज तो मंदिर में कुछ पूजा वूजा चल रही है मुझे लगता है, तभी इसलिए काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। बट जनरली कपल्स यहाँ पे आते हैं और फिर ऊपर आते थे गायब हो जाते हैं। मतलब मैं उस दिन रुका था तो मतलब वहाँ पे कुछ कपल बैठे हुए हैं, अब मैं अगर शूट करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब वही है, यहाँ पे कपल्स आते हैं, ऊपर आते हैं, मंदिर तक पहुँचते हैं, मंदिर तक पहुँचते ही नहीं है। मतलब अगर आप मंदिर में जाओगे नॉर्मल डे पे तो कोई भी नहीं होता मंदिर में। सो मेरा एक्चुअली उस प्लेस को दिखाने का एक हाँ मज़े वाला पर्पज़ था कि मेरे ब्लॉग में एक फन फैक्टर ऐड हो जाएगा। बट दूसरा मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि मतलब क्या ये सही है, मतलब हम जैसे मतलब मैं उस दिन जैसे शिखर चंडी पहाड़ गया, मुझे पता ही नहीं था यार क्या है शिखर चंडी, इतना फेमस है शिखर चंडी पहाड़ है ना। और मैं वहाँ पे गया देखने के लिए कि पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे, मतलब क्या है ऐसा ऊपर मंदिर में। तो जब मैंने पूरे रास्ते में देखा बच्चे ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर तक कोई पहुँचा नहीं, मतलब हैरान हो गया कि यार मंदिर में कोई नहीं है और कितने सारे लोग नीचे से ऊपर आए, और फिर जब वापस आए कोई भी नहीं रास्ते में। तो मतलब आप देखो कि यार हम ऐसी होली प्लेसेस को कैसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब लाइक क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग,
मतलब हमारी जनरेशन क्या कर रही है, ठीक है हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम ओपन माइंडेड हो चुके हैं, हमारा दिमाग एकदम बहुत खुल चुका है और हम बहुत ही अच्छे से दुनिया को समझते हैं, हमारे पूर्वजों से भी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं इस दुनिया को, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम होली प्लेसेस पे जाके भी ये सब करें। मतलब अब देखो होटलों वालों ने तो वैसे भी होली प्लेसेस पे होटल खोल दिए हैं, बंदे वहीं पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब होली प्लेसेस अब उस चीज़ के लिए नहीं रह गई हैं कि हाँ वहाँ पे जाओ दर्शन करके आओ, होली प्लेसेस इसलिए हैं कि आप वहाँ पे जाओ और मज़े करके आओ, दारू पियो, नशे मतलब मांस खाओ और मज़े करके आओ वहाँ पे पुरी में। अब ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ भाई मैं धर्मात्मा हो गया हूँ, ना भाई मैंने भी करी है गलतियाँ, ठीक है हमने भी पुरी में जाके दारू पी है, ठीक है, बट फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स जब से मैं अपनी एडिक्शन से बाहर निकला, जब सारे इस सारे चीज़ों से बाहर निकला और मैंने एक अलग दुनिया को देखा, एक अलग दुनिया जो मतलब जो मुझे भगवद गीता ने, टेंपल ने, या मेरे जिन लोगों से मैं बहुत सारे रिलीजियस लोगों से जिनसे मिला मैं, उन लोगों ने जो मुझे दुनिया दिखाई वो एक्चुअली में रियलिटी थी, और तब मुझे पहली बार समझ में आया कि हम लोग जो जी रहे हैं ना, मतलब हमें हम खुद की लाइफ नहीं जी रहे, लोग हमसे वो करवा रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस चला सकें, और वो अपने बिजनेस चला भी रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं वो अपने बिजनेस। तो बात कमेंट कीजिए अगर आपको मेरी बात सही लगी हो और आपका कुछ इस बारे में कुछ कहना हो तो वीडियो अपलोड हो गई है, जस्ट अभी अपलोड किया, आज तो व्लॉग लेट हो गया, आज दिन भर मतलब कुछ अजीब ही सीन चला है, आज दिन भर हमारी पार्टी हुई है, तो मतलब वही अपने बंदे आए हुए थे, तो सुबह के टाइम पे ऐसे थोड़ा सा एक मतलब कांड किया हम लोगों ने, मतलब तो उसी के लिए थोड़ा साइड बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो उसमें थोड़ी ऊपर नीचे हो गया, तो आज तो फर्स्ट हाफ तो पूरा उसी में निकला, और सेकेंड हाफ अभी मैंने वीडियो एडिट करी और ये वाली वीडियो अपलोड करी है, मतलब उसकी वॉइस उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, बट ठीक है फिर भी मैंने डाल दिया, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो के ऊपर, देखते हैं। एक्चुअली में जो उसकी वॉइस साइड वाइज रिकॉर्ड करी थी मैंने, वो भैया गायब, वो पता ही नहीं कहाँ है, तो ठीक है कैमरा में रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती बिकॉज मेरा जो ये ऑफिस है यहाँ पे अभी आवाज़ गूंजती है, तो साइड वाइज वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ठीक है। एनीवेज आज टाइम पे खाना खा लिया है, आई होप कल सुबह जल्दी सही टाइम पे उठूंगा, अभी टाइम है थोड़ा, कंटेंट लिखूंगा कल वीडियो के लिए, और कल एटलीस्ट 2-3 वीडियो शूट करने की कोशिश करूंगा मैं, बाकी आज तो मैं ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाया बिकॉज टाइम ही नहीं मिला, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।